क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन डेटा। हमें जो डेटा दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसका क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20 अप टू 60 तक 10-10 के गैप से है। तो क्लास साइज इसमें आया 10, क्लास साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। देन फ्रीक्वेंसी एंगेज्ड ईच क्लास वी हैव गिवन 0 से 10 5, 10 से 20 अननोन फ्रीक्वेंसी है, इन दो अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बट इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीडियन 28.5 दिया है, तो सबसे पहला स्टेप जो है इसे क्वेश्चन को करने का कि सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रिटर्न एज इट इज, देन एक्स इज एडेड टू 5, 5 प्लस एक्स, और 20 को 5 प्लस एक्स में ऐड किया तो 20 प्लस 5 प्लस एक्स, हियर वी हैव 25 प्लस एक्स, देन 25 प्लस एक्स में 15 और ऐड कर दिया आया 40 प्लस एक्स, एंड दिस 40 प्लस एक्स में फिर से ये वाई ऐड कर दिया, और लास्ट में हमें 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5 और 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। बट टोटल हमें 60 दिया है, इन दो अननोन वैल्यूज को इंक्लूड करने के बाद पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 है। मींस कि हमारे पास 45 और ये दोनों इक्वल होते हैं। 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, जब 60 के हम के साथ इक्वेट करेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 45 को 60 से माइनस करेंगे तो 15 आएगा, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। तो मीडियन हमें पहले से दिया है, मीडियन के ये फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट एन अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ, याद रखना कि इतनी अलग से कैलकुलेशन करनी है, देन मल्टीप्लाई विद एच, क्लास साइज से मल्टीप्लाई करना है। तो अब सारी वैल्यूज को सबसे पहले हमें ढूंढना है। हमें 28.5 दिया है, जब हमें मीडियन दिया है तो हमने क्लास इंटरवल में देखना है कि ये मीडियन हमारा कहाँ आया है। तो 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है, इट मींस कि ये हमारी मॉडल क्लास है, और ये पूरा हमारा जो है क्लास को हमने एनसर्कल कर लिया। तो लोअर लिमिट हमारी यहाँ बनी 20, मींस कि एल आ गया 20। देन एफ फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट मींस जो हमारी मॉडल क्लास है उसके एंगेज जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा एफ हो गया, और एफ आ गया यहाँ पर 20 है ये। देन इस क्लास में हमारा एन वाई टू लाई कर रहा है, मींस 30 लाई कर रहा है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस क्लास से वन स्टेप प्रीवियस लेते हैं, मींस कि ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी 5 प्लस एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस एक्स, एंड एच वी हैव 10। इन सारी वैल्यूज को पुट अप करेंगे इस फॉर्मूले में, और दिस टाइम हमें मीडियन भी दिया है, मीडियन है हमारा 28.5। अब सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद ये वाली इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि इस इक्वेशन में एक वैल्यू जो आ जाएगी दूसरी पुट अप करके वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो हम अब मीडियन फॉर्मूले मीडियन का लिखेंगे। मीडियन दिया है हमें यहाँ पे 28.5, देन लोअर लिमिट 20 प्लस एन बाय 2 30 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 प्लस एक्स। कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली करना है ताकि गलत ना हो। एफ हमारा आया 20, देन एच, एच है 10, और सबसे पहले कैलकुलेशन टिप्स ऐसा है कि सबसे पहले ये वाली वैल्यू को हम यहां पर लेकर आएंगे, 28.5 से 20 को माइनस कर लिया, देन 30 माइनस, इतनी कैलकुलेशन अलग से करनी है पूरी, 30 रह गया माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10, और यहां रह जाता है हमारे पास
यहाँ 28.5 में से 20 को माइनस करो तो 8.5, और यहाँ पर 25 माइनस एक्स अपॉन 20 जो था वो इस जीरो से कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास 2 बच जाता है, और ये 2 हमारा 8.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ आकर 25 माइनस एक्स, और ये आता है 17, 25 माइनस एक्स, एक्स को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 25 में से 17 माइनस करो तो हमारे पास रहता है 8, और एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, तो एक्स की वैल्यू को 8 यहाँ पुट अप करके 15, और वाई की वैल्यू आ जाती है 7। अब हम इस डेटा में पुट अप करके जो हम फ्रीक्वेंसी दिया है, अगर यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को 8 और y की वैल्यू को 7 पुट करते हैं, और टोटल हमारे पास 60 आएगा। वेरीफाई भी क्वेश्चन हो जाता है साथ में।